हाय एवरीवन, नमस्ते सारे जो, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सो आज है सैटरडे एंड सुबह के बजने वाले हैं आई थिंक 11:30। तो आज का जो काम है वो मैंने फिलहाल निपटा लिया है, ब्रेकफास्ट वाला जो हमारे परांठे चलते हैं। तो आलू मैंने उबाल लिए हैं, आटा गूंद लिया है, मसाला रेडी कर दिया, हरी चटनी रेडी कर दी है और चिंके ने साफ़ सफाई की। अभी वो गई है सामान लाने, लाइक जो डेली नीड का रहता है सामान, सब्जियाँ एंड ऑल वो हमारी ख़त्म हो गई थी। शेफ महाशय हमारे आज भी नहीं पधारे हैं, देखो आते हैं या नहीं आते हैं। अगर नहीं आते हैं तो खुद को ही करना है। एक्चुअली वीकेंड्स पे ज़्यादा यहाँ पे रश रहता है, सो थोड़ा हैक्टिक रहेगा आज का दिन, उसके लिए हम पहले ही मेंटली प्रिपेयर हैं। बाकी बहुत सारे लोग अभी भी पूछ रहे जॉब छोड़ दिए। हाँ जी, जॉब छोड़ दिए, फुल टाइम यहीं पर हूँ अभी मैं। तो जॉब छोड़े हुए मुझे काफ़ी टाइम हो गया एंड बस यही है। अभी तो फिलहाल सारा काम कंप्लीट करना पड़ रहा है। बाकी अब देखो, आज सफाई वाली एक रखी है हमने आंटी, वो अभी आ रहे हैं अभी थोड़ी देर में, और एक दो और चीज़ें हैं आज करने के लिए। इनके बजने वाले हैं 4 और परांठे चल रहे हैं अभी तक एंड हम जा रहे हैं अपना सामान लाने। अरुण को कर दी मैंने बाय, अरुण को वीडियो। बहुत सारे लोग बोल रहे थे आपका मेनू क्या, ये हमारा मेनू है। चलिए चलें अपनी मंजिल पे। जिंक्स जिंक्स। सो आज लंच में चिंका लेके आया सांभर और सांभर और राइस। सो आज हमारे कैफे पे आए हैं नेजरा दी, जो कि है कांगड़ा से, और ढेर सारा प्यार और बहुत सारे गिफ्ट्स लेके आए हैं। हेल्प कर रही है लड़कियाँ बहुत ज्यादा, और इनके यहाँ पे पक्का आना, बहुत टेस्टी खाना है, और सपोर्ट करो इनको यार, सच में मतलब बहुत सारा प्यार। थैंक यू सो मच। और अब मैं मुझे सच में आप सभी को बहुत अच्छा लगा है, कांगड़ा वाले लोग वैसे बहुत ज्यादा प्यार दे रहे हैं। और दी का चैनल भी है यूट्यूब पे, मैं नीचे मेंशन कर रही हूँ, आप सब लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और ढेर सारा प्यार दीजिए इनको भी, सबको एक साथ लेके चलते हैं तो सक्सेस जल्दी मिलती है। थैंक यू सो मच गाइस। कैफे कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा है, सीरियसली खाना बहुत टेस्टी है, बहुत अच्छा है, बहुत सो मच। तो ये लेके आए थे नीरजा दी हमारे लिए, यहाँ पेस्ट्री लेके आए, देखना क्यों मतलब आप लोग इतने पैसे वेस्ट करते हो, मेरे को सच में समझ नहीं आता। सो स्वीट, थैंक यू नीरजा दी, थैंक यू सो मच। कुकिंग चल रही है किचन में, धुआंधार परांठे चल रहे हैं और इधर चल रहा है चिली मशरूम, बुरे हाल हो गए हैं। सो रात के बजने वाले हैं 12 और हम थोड़े से फ्री हुए थे, और देखिए आज हमारे कैफे में आया है मेरा भाऊ, बड़े दूर से, हिमाचल से, हमीरपुर से हैं विशाल, और पहले यहाँ पे रहते थे तो बहुत हेल्प करते थे हमारी सामान ढोने से, बड़े हेल्प कितनी ने मेरी बेचारे भाऊ हैं। और आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे भाई? हम कस्टमर को कॉफ़ी पिला रहे हैं। तो फैमिली मेम्बर भी टच बोर्ड बड़े सपोर्टिव हैं हमारे, रात को 12 बजे आके यहाँ खड़े हो जाते हैं, क्योंकि आज सैटरडे तो हमें थोड़ा लेट तक खोलना पड़ेगा क्योंकि वीकेंड है और लोगों की छुट्टी होती है, इसलिए भांडे धोने का टाइम हो रहा था, भांडे धोने जो सही रखी हुई है। कैसे लगे आपको पास्ता हमारे कैफे का? कॉफी बड़े हो गया क्या तू, जो पास तुझो गला इतने बढ़िया, कॉफी बहुत अच्छा, सब कुछ बहुत अच्छा गाइस, आओ यहां पे ट्राई करो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सो रात के बज रहे 12, चिकन बनाई बहुत ही अमेजिंग मैगी, और इधर बन रहा है मेरा पिज्जा, मेरा पिज्जा नहीं पिज्जा, और बाहर पुलिस आ गई। सच में क्या करेंगे, 12 तो बजे नहीं, फिर से बजने वाले हैं बट 10 मिनट है और क्या पता वो वाले हमारी शिकायत कर रहे हैं, हो सकता है ना, कंपटीशन भी चलता है ना, क्योंकि लेट तो काम करना एक्चुअली अलाउड नहीं है, पर हमें लास्ट वाले ऑर्डर आ गए थे तो इसलिए हमें निकालने पड़े, तो भाई हम क्लोजिंग कर ही रहे थे। तो ये हो गया पिज्जा रेडी बन के मेरा, और बहुत ही डिलीशियस लग रहा है। चलो करो क्लोजिंग, करो, पुलिस वाले आ गए, उन्होंने बंद करो। चलो बहुत सुपर डिलीशियस, बाय। तो विशाल भाया ने छोड़ा हमें घर के पास और साथ में दिया ये गिफ्ट, आजकल मुंजो बड़ा गिफ्ट लगे दिन लोग पता नहीं क्या होना है, तो गलाया भाई ये मेरा दोस्त बेचारा रोज ही सुत्र होंगे मेरा काका। हम रहे ना रहे
हम मिले ना मिले। इस सिटी की एक बहुत अच्छी मुझे बात लगती है कि आप रात को 12 बजे 12:30 बजे 1 बजे बाहर निकलते हो ना, आपको कोई ऐसे भी नहीं देखेगा। मतलब कि इतनी अच्छी इतनी सेफ सिटी है। कोई और सिटी हो तो इस टाइम होता मठिया, मतलब बाहर घूमना था क्या ही, पर बोलते ना मतलब कि बोलने का मतलब कि बड़ी सेफ सिटी है, अंदर पल्लू सोई है, मेरे को डांट पड़ेगी। सो आज का दिन अच्छा था काफ़ी ज़्यादा। एक चीज़ मैं मेंशन करना चाहती हूँ, जो लोग भी कैफ़े पे आते हैं ना, प्लीज़ कुछ भी मत लाया करो। सीरियसली आप लोग जो ऐसी चीज़ें लेके आते हो ना, आज जो दिए आए थे वो बोल रहे थे कि मैंने वीडियो में देखा कि सारे गिफ्ट लेके जा रहे थे, मैं सोच रही थी मैं क्या लेके जाऊँ, ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिए। आप लोग आ रहे हो ना मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात है सीरियसली। तो मैं प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो लोग भी कैफ़े पे मुझसे मिलने आ रहे हैं ना, वो प्लीज़ खाली हाथ आएँ, कुछ भी मत मतलब लाया करिए। आप लोग आ रहे हो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, आप आके मुझे ब्लेसिंग्स दे रहे हो, आप प्यार दे रहे हो, मेरे साथ अच्छे से बात करो, दैट्स इट। मेरे को सिर्फ उतना ही चाहिए। ये बर्डन बिल्कुल भी मत लिया करो कि क्या लेके जाएं क्या ना लेके जाएं, ऐसा कुछ भी नहीं है सच में। और मैं बिल्कुल नहीं चाहती हूँ कि आप मेरे लिए कुछ लेके आओ, कोई गिफ्ट लेके आओ, ऐसा मतलब आप मत सोचा करो। आप फ्री होके आओ, आप लोगों का कैफे आप लोगों के लिए बनाया, तो एड़ा बिल्कुल भी सोचना भी प्राउड क्या लेके जाएगी, मतलब खाली आता हो आराम से। मतलब इंसान को क्या चाहिए, मेरे को तो सच में यही चाहिए कि आप लोग आ रहे हो मेरे लिए, एक तो वो सबसे बड़ी बात है। दूसरी बात, आप इतना आप लोग सब इतना प्यार देखे जाते हो ना, मतलब जो लोग नहीं आ पा रहे मैं उनको बताना चाहती हूँ कि सीरियसली मैं इतना ब्लेस्ड मान रही हूँ ना खुद को कि इतने लोग आ रहे हैं, इतनी दूर दूर से आ रहे हैं। आज जो दी आए थे वो जीरकपुर से आए थे, पिछले कल एक भैया आए थे वो भी जीरकपुर से स्पेशली आ रहे हैं लोग मुझसे मिलने। सो बहुत अच्छा लगता है कि मैंने चाहे ज़िंदगी में कुछ ना कमाया आज तक, बट मैंने ऐसे लोग कमाए ना जो मतलब मेरे लिए इतनी दूर से अपने सारे काम छोड़ के आ रहे हैं। सो थैंक यू सो वेरी मच। और कान्हा जी का बहुत बहुत शुक्रिया कि उनकी वजह से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। मैंने बोली बहुत बड़ा मुकाम है, बट जहाँ तक भी हूँ ऐसे जब कोई मिलने आता तो मैं इतना खुद मतलब मैं बता नहीं सकती वो फीलिंग की वो क्या कैसा फीलिंग होता है। थैंक यू सो वेरी मच फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट। और अभी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, मैंने रेस्ट भी करना है। बाय, टाटा, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सुबह मिलते हैं, गुड नाइट। तो ये प्यारा सा गिफ्ट लाया है विशी ने दिया मुझे दिवाली पे, थैंक यू सबसे पहले विशाल भाई। ये है इसमें दो सर्विंग बोल बेकिंग बोल, आप इसमें इसको किसी में भी यूज़ कर सकते हो, मिक्सिंग बोल, बहुत ही प्यारे हैं। थैंक यू सो मच विशी, थैंक यू सो मच।